The existing CCH infrastructure is reasonably good. Why it is reasonably? Experience I want to speak. Only why it is reasonably good, not persons, I'm not talking of person, structure, where we are having one person from each state. Yes. And diverse background. So clinical doctors representative is already there. So they are about 15 to 20 are already always there. Then all education institution representative through from faculty, board from is faculty, also there. Then 40% from the government side. It is a different matter that government, instead of nominating so-called eminent, can nominate anything. No, the conclusion is it has failed. The government is what you is, it has failed. No, it is mentioned in your report. सर मैं एक छोटी सी सजेशन देता हूँ। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ऐसे रहना, गवर्नमेंट 40 की जगह 50% नॉमिनेशन कर दे प्लस वन चेयरमैन, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, नहीं हो जाती है? जो दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड में हुआ है, दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड में क्या होता है कि वाइस चेयरमैन हम इलेक्ट करते हैं और चेयरमैन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अभी गवर्नमेंट की मर्जी है, जिसको मर्जी है। अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा ध्यान रख रही है तो पूरी इंक्वायरी करके कर दे भैया आदमी को नॉमिनेट, इस सब कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगर ये चेंज कर दें तो डू यू फील इस बिल की जरूरत है? नहीं, सिर्फ सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना। गवर्नमेंट ने छोटा सा अमेंडमेंट लाना है, बोलो जी चिंता जी। इस ये बात मैंने जॉइंट सेक्रेटरी से वैसे ही डिस्कस की कि भाई अगर हम ऐसा कर दें तो आपको क्या लगता है? तो उसने लग गया, एग्जीक्यूटिव भी आए, एग्जीक्यूटिव भी कॉम्प्लीट करें। हम तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, फिर वो अपने आप अपनी एग्जीक्यूटिव चुने। भाई एक प्राइम मिनिस्टर अपना लगा दो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जैसा है वैसे प्रथा चलेगी। जस्ट एक आइडिया है, मतलब जस्ट एक इनोवेटिव आइडिया, दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मच हल्ला गुल्ला एंड रिप्लेसिंग, एग्री करते हैं? चलिए अब आगे आते हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप ये जो एक्सपर्ट्स का व्यू है इसमें क्लॉज नंबर 15 पर जो आप कह रहे हो वो है कि ऑलरेडी दिस इज योर व्यू, द व्यू ऑफ एक्सपर्ट्स इज दैट इट हैज फेल्ड। सर सुनिएगा, एक गाइडिंग क्लॉज होनी चाहिए, जो होम्योपैथ वहाँ आएंगे उनका अपना कॉलेज नहीं होगा। अभी हमने हमारा पहला पहले आप सर इसका बताओ, जरूर से मत जाओ, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आपको काउंसिल, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए? सारे पढ़े लिखे लोग 40 बैठ के होम्योपैथी की बात करें या ना करें, देखो जिसमें होम्योपैथ कोई गवर्नमेंट को करना ही है। जब एमसीआई मेल हो गई वोटिंग वाली बात शुरू करते हैं। लेट अस सी, डू यू वांट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ होम्योपैथी लाइक दिस? इफ नॉट, देखो देखिए, नाउ लेट मी जस्ट कम बैक अगेन। यस, वी एग्री that this commission is not needed. No, we don't agree. Sir, aage chalo. If we agree that this commission is needed. Sir, aage chalo. This commission, suppose some of us agree, right, that this commission is not needed. And the solution is, do 50% nomination with 1% extra of your own chairman. So your always presence will be of 51% in this. Do you agree? Minister can always call this 50% nominated to come here. Look, this you have to do. If you will not do, next day your nomination stand can this. The clause only says minister should withdraw, can withdraw the nomination. Minister can do it, sir. Minister can do it. Nominated to clause only says. Full, I agree with you. I had been a member of. It is just like a corporate body. Nominated member. And we were not accepted. Number comes, na? सर अब नंबर तो पूरा कर रहा हूँ ना, नंबर की बात नहीं है। लेट एवरी रीशफल बी मेड। या ठीक है, यू नो दे सेड सो मेनी पॉइंट्स एंड आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु गिव दिस एंड। क्या क्या क्या
हमको जो बहिष्कार कर रहे थे वो तो बाद की बात है ना, हमको मैं आगे हम ओवरऑल बिल सम ऑफ अस एग्री लेट अस सी सम ऑफ अस एग्री दैट बिल इज नीडेड दिस कमीशन इज नीडेड सम ऑफ अस डोंट एग्री बट दोस हु डोंट एग्री दे एग्री टू दिस दैट द इन द एग्जिस्टिंग फैब्रिक लेट गवर्नमेंट हैज अपर हैंड over the elected mechanism. Yes. Do we agree? Yes. So, elected mechanism is not to be there. Sir, baaki to aaj bole to agla hai. For democracy chalna. No, about this elected mechanism, the observation of one of the IAS officer was that nowhere in the world regulatory bodies are run by elected persons. It is only in India. That too in medical regulation and engineering professional regulation, where or in bar councils, we are governing our own self. And rest of the like if you want to have drug controller, so drug controllers are appointed by the government. If you are in regulatory mechanism, nowhere this was their observation. So considering like now these are the view I have received from. बट अगर आप देखिए ना कि गवर्नमेंट ने मॉडिफाई जो किया है वो एलोपैथी का भी तो किया है और आई सिंह सब में इकट्ठा रहे तो इट्स पार्ट ऑफ द टोटल रिफॉर्म्स Okay. So my submission is that the proposed bill has to be taken into consideration as an overall reform in health delivery system and should be studied in relation to the situational analysis being backdrop to the National Health Policy 2017. वो हमको इसके बाद डिस्कस करेंगे आप 4:30 onward health policy will be discussed. नहीं करो के बाद में लेकिन ये सब चीजें यार तार में collective approach. I agree with you. तो इसलिए देन अगेन वी हैव टू स्टडी विद द प्रपोज्ड नेशनल मेडिकल कमीशन बिल एज वेल ये मैं इसलिए हूँ कि वहां पर डेफिनेशन वर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है टोटल एसेंट है गवर्नमेंट का इट इज टूवर्ड द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड इंक्लूडिंग अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट विद द क्वालिटी और एक्सपेक्टेड नेसेसरी टू कवर हेल्थ फॉर ऑल तो ये चीज है कि नाउ अब इस चीज को हम देखते हैं अगर आप एलोपैथी का देखिए बिल और ये देखिए तो यहाँ पर मैं माय व्यू इज दैट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आर गिवन द प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट हुज वेलनेस इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल्सो अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द टीम ऑफ नीति आयोग इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हाउएवर वी फील दैट द वर्क डन नीड्स मोर रिफाइननेस In the larger interest of health care, especially when it is planned to shift the focus from treatment of the sick towards his or her total wellness. Ye assume we should try a policy ke andar. And where the actual user should be encouraged to have the treatment of his choice. Hence the emphasis has to be on the improvement of quality in education and better infrastructure to help quality doctors to help the patient. अब ये आ जाता है इसके बाद में फिर देन अनदर इम्पॉर्टेंट जो आ रहा है ट्रांसपेरेंसी अब ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी आता है अगर आप टोटली एक तरफ तो इलेक्टेड था वहाँ से टोटली नॉमिनेटेड आए तो वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही आज देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है सी ओ नीचे को वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है नॉमिनेशन जो आती है वो सारी सारी देन इट इज़ ए रिस्क कि रादर देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी द शिफ्ट इज लाइकली टू फोकस टू दी जैसे ये बता रहे हैं कि आउटसाइडर्स बहुत होंगे रिसेंटली इन द काउंसिल सिंस आई हैव बीन ओनली वन ईयर ऑन द काउंसिल एक सजेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दैट होम सेंट्रल काउंसिल शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग सिक्स मंथ्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड not only just to sensitize them and license them to practice just because all the members were homeopaths this two and three times this proposal was rejected and once it is not there government will have its way
एमबीबीएस डॉक्टर्स आएंगे, छह महीने का कोर्स करेंगे, गवर्नमेंट विल लाइसेंस देम टू प्रैक्टिस होम्योपैथी. वो तो बहुत दूर की बात है, इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ स्टैंडिंग प्रपोजल. टाइम में लगेगा, ऐसे प्रपोजल की वाली जी सर, अभी भी आई रिसेंटली सर, इन्वेस्ट हम कर चुके हैं, उससे ज्यादा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको डैमेज कर दिया है. गवर्नमेंट ने आई एग्री विद यू, उन्होंने तो लॉ कर दिया है, और ट्रीटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट वाला वापस जाओ, जो महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ने करा है वो केस चल रहा है, उसको पहले सॉल्व करके फिर हमारे पास आओ, उन्होंने मना कर दिया है. कौन चलाएगा कॉर्पोरेट हाउस, गवर्नमेंट इस टाइम में अगेन सेइंग कॉर्पोरेशन को पूरे पूरे छुट्टी दे रही है, कॉर्पोरेट मैन पूरी छुट्टी से चल रही है, उस टाइम में मैं कैसे स्क्रैच हो बस कर. आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप लगता था आप बहुत सारे काम किए हैं, बताओ ना अब इसके बारे में क्या करेंगे. ये तो भाई देखो सब पहले इसको कंप्लीट कर लो, इसके बाद चलिए चलिए आगे. I think we are looking into the very very. नहीं ये तो पहला स्टेप है कि एडवाइजरी व्हाट शुड बी शॉर्ट करें. लाइक चलो आई विल आस्क यू वन अनदर फंडामेंटल क्वेश्चन टू दिस, अकॉर्डिंग टू अस हु इज कॉम्पिटेंट टू गिव एडवाइस टू द सेंट्रल काउंसिल और दिस कमीशन, सारी आग बंद करके सोचो हु कैन गिव एडवाइस टू अस एंड दोस पर्सन शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाइस चांसलर्स of different universities, those who are overviewing homeopathic education, those who are overviewing different types of education, including homeopathy, are the competent person to advise. That too in an advisory council, where the chairman person will not be vice chancellor, chairman will be homeopath, and member secretary will be homeopath. This is what this constitution. Am I right? Yeah, yeah. Like this constitution says, all members, including chairpersons of National Commission for Homeopathy. Ab isko dilute kare, but they are just one lot. The other persons are chairpersons of National Commission for Homeopathy, shall be ex officio member of the council. So advisory council will consist of vice chancellor plus homeopath. It's not that they will not be there. आगे आ रहा हूं मैं, एंड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी शैल बी द एक्स ऑफिशियो. तो जो आपका चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस एडवाइजरी काउंसिल. सो द काउंसिल विल बी हेडेड बाय होम्योपैथ, बट टू एडवाइस देम विल बी डिफरेंट वाइस चांसलर. सर in fact this advisory council is not at all needed, this council is not at all needed because all the members of national commission are there, all the chairpersons, all the chairpersons, all the members including the chairperson, all the members, all members are there, and nature of see powers of this council are only advisory in nature, so those persons for national commission of homeopathy will advise to themselves only. Even if it is the general council meeting, that's not the point. It is like similarly like that's not the point. All the members will again decided by this council will advise to national commission for homeopathy. Yeah. And all the members of national commission of homeopathy are member of this council. Yeah, आप थोड़ा imagine करो. आप थोड़ा imagine करो. मैं तो just I'm in a mood of just innovative thinking, without any preconceived notion. कि हमारी आप इमेजिन करो जी, आप लोग जो हम लोग सीसीएच में हैं, कि आपके जो बेंचेस हैं उन बेंचेस में साइड पे आईआईटी का हेड बैठा हो, आईएम का डायरेक्टर बैठा हो, और ये तीन लोग बैठे हो, और इन्हें वो तो विवाद में आ रहे हैं, और इस तरफ वाइस चांसलर सारे बैठे हो, जिन कॉलेजेस के बारे में हम होना चाहिए नहीं होने चाहिए चर्चा कर रहे हैं, वो उनके बारे में सारा कच्चा पक्का चिटा जानते हैं. सर मैं वही कह रहा हूं, तो कैसा लगेगा नेशनल कमीशन पर होमिटी के मेंबर्स होंगे जो वो एडवाइस करेंगे, अल्टीमेटली दे विल एग्री टू दिस, जो वाइस चांसलर और आईआईटी और आईआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मेंबर्स नॉमिनेशंस है, वो उसी को एग्री करेंगे जो नेशनल कमीशन पर होमिटी के मेंबर्स कहेंगे.
ये तुम्हें तो अच्छी बात है, तो इस काउंसिल की जरूरत ही नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है, हो सकता है कोई नई एक बात बता रहे हो। नहीं मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं, क्वालिटी या इंप्रूवमेंट ये हेल्प क्वालिटी औरों को नहीं होना चाहिए। अब ये तो कंट्रोल लगा के सीधे एडवाइजरी काउंसिल, ऑल एडवाइजर यू कैन एग्री, देखो इट इज जस्ट लाइक दैट। सुनिए जो मैं इसका मतलब समझो, मुझे चिंता है इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ मतलब यू हैव डन इन द थिंकिंग ऑन इट, वी हैव नॉट डन, वी आर नाउ डूइंग इट। It is just like your Rajya Sabha, where members of Lok Sabha are also there. So it is a joint Sabha, where you pass something, and when you come to the Executive Council, that is Lok Sabha, you reject last bill, money bill, whatever. We made changes, amendment in the, we passed one bill in Lok Sabha, then it has gone to Rajya Sabha. They suggested certain things, but in money bill, they have powers of only advisory in nature. They brought back that bill to Lok Sabha, rejected those amendments and gone. So the point is, executive powers will still remain within the National Commission of Opinion. Where all members are there. But here, you are having a superadded structure of so many advisors, those who are supposed to be the luminaries of education, irrespective of any specialization. If they give some suggestion, I think it should be accepted. ये तो उनको मेंबर बनाएना बनाए। अगर एक प्रिंसिपल ऑफ नेहरू होम्योपैथी कॉलेज को बताओ, आईटी का प्रोफेसर को समझाएगा, उसके सर में तो आएगा कि क्या है, ये समझाए या ना समझाए, समझाए अच्छा तो भी रखे नंबर रखे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आईटी का प्रोफेसर आएगा कहेगा ऐसे रिसर्च होती है कि ऐसी क्लास लेते हो तो दूसरे दिन निकाल देते, अगर लैब में कोई प्रैक्टिकल कंप्लीट करके नहीं आया या तो घुसा है कोई नहीं लैब के अंदर। सर हमारे तो रेगुलेशन डॉक्टर मनचंदा बताएंगे एमएसआर कहां से कहां पहुंच गए, हमारा थोड़ा सा हम लोग होने देगी ये तो वापस मिल जाएगी। डेफिनेटली हम लोगों ने तो अब हमने जितने रिसर्च करी, हमारे डॉक्टर दादाजी आप बताओ हमारे को आईआईटी वाले लोगों ने कितना मार्गदर्शन किया, कितनी चीजों में बताया कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे होता है, ऐसे रिसर्च होती है, ऐसे थीसिस लिखा जाता है, जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वाइस चांसलर ऐसी झाड़ लगाता था ये अगर होश आ जाती थी कि क्या सर, इमेजिन करो 20 बैठे होंगे, वैसे कोई बात नहीं, डजंट मैटर, तरीका निकालो जी, एडवाइजरी काउंसिल को रखे there was a very nice presentation regarding NAB. अब ये कि NAB का अगर हम सुनकर बैठ गए तो क्या करेंगे, गलत है, हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा तो हमको दूसरे को बता पाएगा, तो इसलिए इसको रहने दीजिए। And we can give our opinion. It is just like discussing in detail, going into depth. I will come to you. One thing I would like to tell you, ये जो reform है, ऐसा reform अगले 50 साल पे नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये now or never है। And ball lies in our court. अभी इसको अच्छा करने की। मतलब कि आप imagine, मतलब मुझे कई चीजों का सोच रहती है जब मैं ये बात करता हूँ। आज से 30 साल पहले शायद नहीं होती, बिकॉज द टाइप ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होम्योपैथी इज बेसिक, हम लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हम उनके हैं, कि जब ये जो जब ये लोग एडवाइजर्स आते हैं दे हैव देयर ओन आइडियाज आल्सो, सम पॉजिटिव सम न्यूट्रल सम नेगेटिव,
So, I'll tell you, because those people are not here, right? I wish I could have brought those international people also. In German, highest body of German medical education, homeopathy was debated. Homeopathy was debated. So what should be like, homeopathy is a German science, what should be the scope of homeopathy? And the person who was the key person in that, rather the chairman of that similar body, because we don't have, within allopathy, the advisory, like you can say the advisory council of Medical Council of India. You can say the Medical Commission of India.